मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राजगढ़ जिले के समस्त सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। सभी सदस्यों को सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलने से नाराज सभी सदस्यों ने पीपल चौराहे से रैली निकालकर नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद एक बार फिर SDM अंकिता प्रजापति को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचकर अपनी मांगों से अवगत कराया। इस मौके पर राजेंद्र जायसवाल, रघुवीर सुभाष साहू, सतीश साहू, इरशाद खान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सुथालिया से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। दिया और क्या दिया? आज हमने समस्त उचित मूल्य दुकानदार एवं स्व सहायता समूह के संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, अपने अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा महोदय को भी दिया है। हमारी मांगे को लेकर हम कुछ हड़ताल पे थे, सब एक दूसरे का समर्थन करते हुए। हमारी कुछ मांगे इस प्रकार है कि संस्थाओं को जो 70 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है, इसको बढ़ा के 200 रुपये क्विंटल किया जाए, क्योंकि इसमें लगने वाले खर्चे जैसे दुकान किराया, गोडाउन किराया, बिजली का बिल, स्टेशनरी खर्च, अन्य व्यय, हिमाली भाड़ा आदि सब हमें को इसी कमीशन में वहन करना पड़ता है। दूसरी मांग हमारी है कि महामार्च 2020 से COVID-19 का निशुल्क गेहूँ जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उसको हम सभी दुकानदारों ने 9 महीने तक लगातार निःशुल्क बगैर किसी भय के डरे कोरोना से हमने इसको अपनी जिम्मेदारी से ईमानदारी से बांटा है, जिसका कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को आ गया है, लेकिन वो अभी तक हमें नहीं मिला है। तीसरी मांग हमारी है कि शासन ने हमसे बारदानों लिए थे इसकी धान खरीदी के लिए, जो हमसे लिए थे उसका भुगतान करने का बोला था, उस भुगतान का पेमेंट भी राजगढ़ DM नान को मिल चुका है, लेकिन वो हमारे खातों में अभी तक नहीं चला है। चौथी हमारी विशेष मांग है कि वर्ष 2014-15 में 13 माह का हमारा कमीशन 50 पैसे प्रति क्विंटल का सेंट्रल से रिलीज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास रुका पड़ा हुआ है। कुछ अधिकांश जिलों में वो भी भुगतान हो गया, लेकिन राजगढ़ जिले में उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। पांचवी मांग हमारी कि स्व सहायता समूह को 8,400 रुपये की जो कमीशन राशि दी जाती है, उसे बढ़ा के 20,000 रुपये प्रति माह किया जाए, क्योंकि वो प्रत्येक खर्चा भी वो उसी राशि में वहन करते हैं। छठी मांग हमारी है कि संस्थाओं को क्षतिपूर्ति अनुदान राशि 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जाए। सातवीं मांग हमारी कि केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक निर्देश है कि 1 क्विंटल माल को फुटकर तोलने में 1 किलो की घटती आती है, जो हमें घटती दी जाए, जो आज तक नहीं दी जाती। आठवीं हमारी मांग है कि जिन स्व सहायता समूह पर 200 उपभोक्ता हैं से कम है, मतलब 199 भी अगर हैं, तो उसे 2400 रुपये कमीशन दिया जाता है, ये उसके लिए दुकान चला पाना संभव नहीं, इसको भी 12,000 रुपये किया जाए। इस सब बातों को लेके हम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति वालों के साथ, उनके संगठन के साथ समर्थन करते हुए, यदि शासन अगर आपकी बात नहीं मानता है तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? इसके लिए आगे हम आंदोलन की कोई रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी जो राशन के लिए जनता परेशान हो रही है, इसको इसके लिए किसको जिम्मेदार? इसका लिए हम भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम निरंतर उन्हें समय पे देते आए, हमने कोविड महामारी जैसे समय में उनको तकलीफ नहीं आने दी, हम चाहते हैं कि हम आज भी नहीं आने दें। हमारी मांगे अभी मान ली जाए तो हम तत्काल यहीं से सीधे दुकान जाने को तैयार हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।